नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है. आई एम गोपाली एंड आई एम गोना ट्राई टुडे सम वियर्ड किचन कुकिंग एंड वियर्ड हैक्स बेसिकली. तो मैं घर पे बैठ के बोर हो रही थी एंड आई होप कि आप सारे भी अपने अपने घर पे हो. सो आई जस्ट थॉट ऑफ कमिंग हियर एंड ट्राइंग सम वियर्ड किचन हैक्स. इन लोगों के पास इतने सारे अजीबो गरीब और बहुत ईजी चीज़ों को भी डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं, उन सारी चीज़ों के हैक्स हैं. तो हम भी वही करने वाले हैं आज. तो जो हमारा पहला हैक है उसमें हमें चाहिए होंगी ये चीज़ें. तो इस हैक में टमाटर जो हम बहुत इजीली काट सकते हैं, हम उसे थोड़ा ऐसे फोर्क वॉर्क से काटेंगे. सो लेट्स सी इनका हैक क्या और होता है कामयाब या नहीं. आई होप हम होंगे कामयाब. आ जाओ. ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे जो ये टोमेटो है ये काफ़ी एकदम स्लाइस में, पतली पतली स्लाइस में और काफ़ी इवनली चॉप हो गए हैं. तो अगर आपको ऐसे मैस वाले नहीं चाहिए तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो ना. यस, ये आलू को भी ऐसे चॉप कर देंगे. बट या दिस हैक वर्क्स. Guys, the second hack is using this potato and this istri. बिना istri के तो 5 minute crafts वालों की जिंदगी अधूरी है basically. तो मैंने इसके साथ bread वाला एक hack पहले भी try किया था. अब क्योंकि हम घर पे बैठे रहते हैं तो हमें बहुत सारे से चटपटर चीजें खाने का मन करता है. So this is basically आलू से बनाया हुआ थोड़ा बहुत chips. चिप्स नहीं, थोड़ा बहुत एक कुछ है, पता नहीं क्या है वो. तो बेसिकली उन लोगों ने बताया नहीं कि वो बॉइल्ड पोटैटोज हैं या नॉन बॉइल्ड पोटैटोज हैं, इफ दैट इज अ वर्ड. बट हाँ, तो एक बार हम इसको ऐसे कच्चे आलू के साथ करके देखते हैं, फिर अगर नहीं समझ आया तो हम पक्के आलू के साथ भी करके देखेंगे. आ जाओ. हमें इसे ऐसे छोटे छोटे आलू के टुकड़े कर लेने हैं. डालना है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल. मैं इसमें डालने जा रही हूँ पीरी पीरी. मैं मतलब उन्होंने वो ऐसे मसाले डाले थे. हम इसमें सीजनिंग भी डाल देंगे क्योंकि उन्होंने भी सीजनिंग डाली थी, पर अगर खुल गई तो डालेंगे. हाँ, खुल गई तो हम डाल सकते हैं. हम इसको ऐसे दूर दूर कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे. इट्स लाइक हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं तो हम आलू की भी ऐसे डिस्टेंसिंग करवाएंगे. गाइस, अब हमारी स्टोरी में आती है इस्त्री. तो अब हमें इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है और हमें इसके ऊपर ऐसे रख के इसको वही पकने की आवाज आ रही है, जैसे कढ़ाई में लगती है ना चीर वाली आवाज आती है. मैं मुझे जानना है ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है. जानवी, व्हाट डू यू थिंक, ये काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं, बस यही है, तू ही बनौती है नहीं. गाइस, अगर ये कच्चे आलू के साथ काम नहीं करेगा तो हम इसे पके आलू के साथ ट्राई करेंगे, लाइक बॉइल्ड आलू के साथ. तो बॉइल्ड आलू के साथ ऐसे करना है तो फिर लाइक मतलब ही क्या रहा उसका. आई गेस ये या तो बीच के जो सेमी बॉइल्ड आलू होते हैं वैसा कुछ होगा, बताया नहीं था, ये करेंगे. Guys, it's been almost सुबह से शाम, ये आलू नहीं पके अभी तक. I guess उन्होंने सेमी बॉइल्ड आलू के साथ ही किया था. ये आलू बन रहे हैं, आलू नहीं पकने वाले. मम्मी मैंने भी यही कहा था. मम्मी ने रिजेक्ट कर दिया 5 मिनट क्राफ्ट वालों को, बट हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम लगे रहेंगे. गाइस, माय फैमिली इज लाइक फालतू का लाइट बिल बढ़ा रही है. पके या ना पके लेकिन स्मेल बहुत अच्छी आ रही है. देखा, मैंने कहा ना स्मेल बहुत अच्छी आ रही. गाइस, इट्स लाइक आपको ये प्रेस चालू करके ऐसे रख के सो जाना चाहिए और सुबह आपको टा अपना ब्रेकफास्ट तैयार मिलेगा. दैट्स अ हैक नाउ. लाइक फॉर दिस हैक नाउ. ओके, देयर यू गो. गाइस, ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं पर जो उन लोगों ने बनाए थे वो बिल्कुल पके हुए थे. सो ओके, ये 2% भी कुक्ड नहीं है, बट
हम अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा और वी नीड सम मोर टाइम टू सिजल अप. सो दिस वॉज अ फेल फॉर मी. हो सकता है कि मैंने गलत ट्राई किया हो. अगर आपसे काम करता हो तो मुझे जरूर बताना. तो अभी इन आलू को मैं कढ़ाई में तल के खा लूंगी क्योंकि स्मेल बहुत अच्छी आ रही है. सो आवर नेक्स्ट हैक इज पॉपकॉर्न बनाने का हैक. तो हमारे पास यहाँ पे वो है जिससे पॉपकॉर्न बनते हैं और थोड़ा सा बटर है. हमने इसको पेपर बैग के अंदर डाल दिया है. प्लीज डोंट माइंड माई क्रीजी पेपर बैग क्योंकि हमारे पास यही था अभी. और हम अभी इसे ऐसे फोल्ड करके माइक्रोवेव में रख देंगे. आ जाओ. गाइज हमारे पॉपकॉर्न बन रहे हैं. वैसे चटक 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 की आवाज आ रही है एंड दैट इज सो सैटिस्फाइंग क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है कि हैक्स ट्राई करने में, बट मुझे मजा भी बड़ी आती है, मैं सच्ची बता रही हूँ. सो गाइज अगर आपको टिकटॉक हैक्स या और ऐसे कोई भी हैक्स देखने हो जो मैं ट्राई करूँ तो मुझे आप वो इंस्टाग्राम पे या नीचे उनके लिंक छोड़ दो. आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं एक और पार्ट बनाऊंगी क्योंकि हम सारे भी घर पे बैठे हुए हैं तो मैं भी एंटरटेन हो जाऊंगी, आप लोग भी एंटरटेन हो जाओगे देख के कि कैसा होता है, होता भी है या नहीं होता है. तो मेक श्योर करना कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में दोनों में बताओ कि मैं मुझे नेक्स्ट कौन से दूसरे हैक्स ट्राई करने चाहिए. आई एम सो एक्साइटेड टू हैव माय पॉपकॉर्न. व्हाई कांट आई डू एनीथिंग गुड विद दिस माइक्रोवेव गाइस. अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से मेरे माइक्रोवेव में से धुआं देने लग गया है. गाइस लिसन टू मी It's time to get a new microwave. मैं बता रही हूँ मेरे अंदर कोई कमी नहीं है. नहीं आपने बहुत देर रखा इसके लिए वो चल बहुत देर रखो बेबे खुद देर रखो बेबे खुद भी तो सामने ही थी. कुछ आता नहीं है. But just wait a minute. Look, कुछ कुछ नहीं पके, कुछ कुछ पक गए हैं. सारे दिख रहा आपको? हाँ, काफी सारे अनकुक्ड हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो तो कुछ जल भी गए हैं. तो यार मैं सच बताऊँ मेरे को नहीं पता कि किसकी गलती है, पर मेरा मन बहुत करे मैं दूसरी बार ट्राई कर लूं पर ये खत्म हो गए हैं. ये अब हमारे पास नहीं है. अब आप डिसाइड कर लो, आप लोग ट्राई करके बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है. आई गेस मेरा माइक्रोवेव ही थोड़ा ऐसे चमन सा है. बस एक और माइक्रोवेव हैक है जो मेरे को ट्राई करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है क्योंकि अब मुझे नया माइक्रोवेव ही चाहिए. ये इसकी और मेरी बनती नहीं है. बस अभी हो गया हम दोनों लोगों का ब्रेकअप. नहीं करनी मेरे को तुझसे बात, बस एक बार लास्ट फिर डन. तो हमारे पास है यहाँ पे ये कलरफुल जो भी आप इसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है हम इसे क्या बोलते हैं, पर बचपन में बड़ी मजा आती थी इसे खाने में. पर क्योंकि ये डीप फ्राई होते हैं तो बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली हो जाता है. तो इसे हम क्या करेंगे, इसे माइक्रोवेव वाली ट्रे पे ऐसे डाल देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश कर देंगे. कि क्या करता क्या है ये मेरे चीजों के साथ, दिख ही नहीं रहा. बंद कर. ओके गाइस तो आप ये देख सकते हो ये यहाँ से तो पक गए हैं ढंग से, पर ये यहाँ से कच्चे रह गए हैं. तो मतलब इन्हें हमें ऐसे उल्टा भी करना पड़ेगा. एंड आई गेस देयर समथिंग रॉन्ग विद माय माइक्रोवेव क्योंकि वो ऐसे कर रहा है. क्या कर रहा है वो? मोर है जो ऐसे कर रहा है. मोर नहीं है. अरे वो क्या कहते हैं, बिजली गिर रही है, बिजली गिर रही है माइक्रोवेव पे. वाचिवा वो ऐसे स्पार्क कर रहा है, मतलब ऐसे चर चर ऐसे कर रहा है. थोड़ा अजीब हो गया हमारा माइक्रोवेव. जो आप लोगों ने मेरे एक और वीडियो में देखा था और आप लोग बोल रहे थे कि मेरी गलती है क्योंकि मैंने उसमें वो रखा सिल्वर फॉइल, नहीं ये थोड़ा मूडी हो गया हमारा माइक्रोवेव. तो आई गेस दिस होल वीडियो इज अ फेल नाउ. हम एज यू आर, हम 5 मिनट क्लास वालों को जज ही नहीं कर सकते हैं. पर जो पार्ट कुक हुआ है वो काफी सही ढंग से कुक हुआ है. लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फ्लफी नहीं है जैसे डीप फ्राई में होता है, पर अगर ये ढंग से बना, अगर आपका माइक्रोवेव ढंग का है तो आप खा सकते हो. ये पूरा ये सारा जो भी कोरोना वगैरह का सब एक खत्म हो जाएगा ना, मैं सबसे पहले एक माइक्रोवेव खरीदने वाली हूँ. बिकॉज आई एम डन विद दिस गाय नाउ.
आंख बनाने के लिए विल यूज एक 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 खुश है एक दुखी भी होनी चाहिए क्योंकि उसका माइक्रोवेव नहीं चल रहा है प्लीज देयर इज मी देयर इज यू ओके गाइस तो आप ये देख सकते हो ये जो है ये बिल्कुल सही शेप में आया है और सही भी दिख भी रहा है सो आई एम सो हैप्पी आई एम सो एक्साइटेड गाइज अगर हम चाहें तो हम इसे डीप फ्राई करने की जगह माइक्रोवेव भी कर सकते हैं अगर आपके घर का माइक्रोवेव ऐसे टचर टचर नहीं कर रहा हो तो मेरा वाला तो बौखला गया बिल्कुल इट इज सो हॉट दिस इज सो यमी दिस इज सो यमी सो डिलीशियस यू गाइज नीड टू ट्राई दिस आउट अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है ना आप माइक्रोवेव में हल्का सा ऑयल लगा के रख दो उसमें भी वो हो जाता है बट दिस इज सो सो यमी एंड आई गेस मैंने आज जितने भी अभी तक जो है ट्राई किए हैं ये सबसे ज्यादा बेस्ट था एंड आई एम इन लव विद दिस सारे इंग्रीडियंट्स आपको इजीली अपने घर पे मिल भी जाएंगे सो यू कैन ट्राई दिस आउट नाउ लेट्स मूव टू अनदर हैक गाइज आवर नेक्स्ट हैक इज वाटरमेलन हैक्स मैंने 5 मिनट क्लास पे इतने सारे अजीबो गरीब वाटरमेलन को लेके हैक्स देखे हो ना कि पता नहीं लाइक वो क्यों है कैसे है मुझे ना इसमें एक कोको कोला वाला हैक है वो ट्राई करने का बड़ा मन था बट आई नो दैट्स यूजलेस तो हम पूरी फैमिली घर पे हम लोगों को वाटरमेलन खाना है और इसको एक्चुअली कट करना मेरे लिए तो डिफिकल्ट है तो इनका एक हैक है जो हम ये स्टिक को यूज करके कर सकते हैं सो आज वो ट्राई करते हैं गॉड इससे अच्छा मेरी मम्मी 5 मिनट में सही काट के दे देती है बिल्कुल सही बात है दिस इज सो टाइम कंज्यूमर ऐसा लग रहा है कि मैं कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में आ गई हूँ गाइस दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड मतलब मैं इन डंडियों के बीच उलझ जा रही हूँ बट इस लाइक मैं एक एक निकाल के काट रही हूँ कि वो ज्यादा इजी रहेगा पर फिर उनका हैक जो है ऐसे करके खा रहे हैं वो नहीं खा पाएंगे हम गाइस आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मैं थक गई हूँ इसे चॉप पैक करके बट फाइनली ये चॉप हो गया और आप देख सकते हो ऐसे लाइक अलग तो हो गया है या सी यू कैन सी दैट और ये काफी सही ढंग से आ गया है बाहर मत घूमो बहुत ज्यादा